नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। रूस यूक्रेन युद्ध एक लंबे समय के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन हमले कर रहा है। इसी बीच रूस ने यह दावा किया है कि उसने मॉस्को में 20 यूक्रेनी ड्रोन को ढेर कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को इस बात की जानकारी दी कि रूसी हवाई सुरक्षा के मॉस्को सहित रूसी क्षेत्रों में 20 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रूसी राजधानी के और बढ़ते हुए कई ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि मॉस्को, तुला, कलुगा और ब्रांस्क सहित क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया गया। क्षेत्र के गवर्नर एलेक्सी ड्यूमिन ने कहा कि तुला में एक व्यक्ति घायल हो गया है। मॉस्को के एक मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले का प्रयास किया गया। रूसी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र के कई इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। कॉमरसेट अखबार ने कहा कि ड्रोन हमले के कारण मॉस्को के मुख्य हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हुई या उसे रद्द कर दिया गया। एक दिन पहले भी यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमला करने की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम ने क्रीमिया के ऊपर 16 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इस बात की पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया था। दरअसल युद्ध की शुरुआत में एक रूस का फोकस की पर रहा था, लेकिन वहाँ अंत में यूक्रेन ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया, जिसके बाद रूसी सेना ने पूर्व पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास यूक्रेन क्षेत्र का 20% से थोड़ा कम हिस्सा। बता दें कि यूक्रेन सेना ने जून में जवाबी कार्रवाई शुरू की और पूर्व और दक्षिण में मामूली बढ़त हासिल की है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यूक्रेन के एक और ड्रोन हमले में रूसी पत्रकार बोरिस मकसूदेव की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद रूस के सरकारी मीडिया एजेंसी रूसिया सिडोनिया के CEO ने उन्हें शहीद बताया था। उन्होंने कहा कि बोरिस मकसूदेव ने दिलेर की तरह मौत को गले लगाया है। इससे पहले मई के महीने में समाचार एजेंसी FP के वीडियो जर्नलिस्ट अरमान सोल्डन ने बखमत के मारे गए थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक यूक्रेन भी कई पत्रकार मारे गए। जंग की शुरुआत में अब तक करीब 15 पत्रकारों की देखिए मौत हो चुकी है। इसके अलावा साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब रूस इस इलाके को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूक्रेन इस वजह से भी इस इलाके पर हमला करता है क्योंकि रूस ने काला सागर बेड़े को इसी इलाके में तैनात कर रखा है। इस इलाके के जरिए ही रूस अपनी सेना के लिए खाद या हथियार की आपूर्ति करता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।